अयोध्या से कल निकल के हम आ गए थे यहाँ लखनऊ। लखनऊ में रुके हैं, लेकिन ये थोड़ा सिर्फ रात रुकने का हमारा था और अभी 12 बजे चेकआउट भी करना था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अमीनाबाद। अमीनाबाद में थोड़ी बुक्स लेनी है BMS थर्ड ईयर की, तो वहाँ से बुक्स लेके और फिर गोमती नगर आज थोड़ा थोड़ा लखनऊ घूमेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में। ये इस होटल में आपको मिल जाएगी एंशिएंट वाली लिफ्ट, जिसको अरे ये तो ये नीचे है। तो ये एंशियंट लिफ्ट नहीं होती थी जो पहले, इसका एक चैनल खोलो फिर ये दूसरा खोलो फिर इसमें सामान रखो और फिर ऐसे ही इसको पहले बाहर वाले चैनल को बंद करो फिर अंदर वाले चैनल को बंद करो और फिर यहाँ से फ्लोर दबाओ, तुरंत चल पड़ती है। अगर इसमें बीच में अगर चैनल खोल दिया ना तो ये रुक भी जाती है, जहाँ पे चैनल खोल दोगे अंदर वाला वहीं रुक जाएगी। ये है अमीनाबाद मार्केट लखनऊ का। यहाँ पे किताबें, कपड़ा, चिकन के कपड़े, ज़्यादातर सब सामान मिल जाता है सही दामों में। फेमस है काफ़ी, नाम तो सुना ही होगा कहीं ना कहीं अमीनाबाद। होली की शॉपिंग चल रही है सब लोगों की, खतरनाक वाली। लहंगा लखनऊआ, कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा कि लॉकडाउन लगने वाला है अभी। फिर से इतना मोटा पढ़ना पड़ेगा यार। और जिसको लग रहा हो ना कि आयुर्वेद में संस्कृत है, कुछ नहीं इंग्लिश भी है। कौन कहता है सिर्फ संस्कृत है, अफवाहें हैं संस्कृत की। ये है सबसे सही लहंगा लखनऊ हुआ। ये कपड़ा मार्केट है यहाँ का। अभी तक मैं समझता था कि चिकन का कपड़ा होता है, लेकिन यहाँ ये भैया ने बताया कि चिकन की कढ़ाई होती है और ये इस तरफ से उल्टी की जाती है, मतलब यहाँ से की जाती है। ये देखो यार, यहाँ गांठे वाँठे यहाँ लगी हैं और फिर यहाँ से ऐसा दिखता है। ये भैया की शॉप है नज़ाकत, तो आप अगर कभी यहाँ आए अमीनाबाद तो यहाँ विज़िट कर सकते हैं। वही ज़्यादा सही लग रहा है। ये गंदे हो जाते होंगे है ना। कारीगरों तो मेन उन्हीं के काम है। अभी ये साड़ियाँ भी आपको ये दिखा रहे हैं भैया, ये बता रहे हैं कि जब ये सफेद व्हाइट कलर का धागे से करते हैं ना तो गंदे हो जाते हैं ये। अब काम देखिए इसका बारीक, एक ही कारीगर ने बनाया इसको। महीनों, 6 महीने लगते हैं। ये साड़ी तैयार होने में 6 महीने, 6 से 7 महीने लगे एक साड़ी तैयार होने में। तो काम भी तो दिख रहा है उसमें।
अच्छा दूसरा कोई कारीगर करेगा तो फिर वो ऐसा कर नहीं पाएगा, मिला नहीं पाएगा, है ना, इसलिए एक ही करता है। ये सही लग रही है यार हमें तो। अगर तुम ए बी सी चश्मा रखोगे तो हम के बी सी चश्मा नाम रखेंगे, नामों की टक्कर। तो हमने वहाँ से लिया है, बुक्स ले ली हैं थर्ड ईयर की, और ये चिकन का सामान लिया है, मम्मी के लिए साड़ी ली है, सूट लिया है, और एक अपने लिए कुर्ता। तो लगभग हर चीज़ आ जाती है 1500 के अराउंड। आप अच्छा सामान ले सकते हैं चिकन का, और मैंने नंबर पहले ही बता दिया, अगर आप चाहें तो उस दुकान पर नज़ाकत हमें ये ऐसे ही सुरजीत की गाड़ी में लगा था यार। लो सुरजीत की गाड़ी मिस नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। हजरतगंज में बन मक्खन मिलता है यहाँ कहीं, तो बन मक्खन खाएंगे पहले, फिर गोमती नगर साइड चलेंगे। तो ये यहाँ पे हजरतगंज में है ये शॉप, यहाँ पे बन मक्खन और समोसा बड़ा अच्छा मिलता है, तो लेना चाहिए हमें, खाना चाहिए। भैया बन मक्खन मिल जाएगा? बन मक्खन तो दो बन मक्खन पैक कर दो और चार समोसे। चलिए भैया। गोमती नगर स्टार्ट हो गया ना भैया यहाँ से? तो हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि खुद के नाम की होटल बुक हो। तो मैं पहुंच गया हूँ यहाँ गोमती नगर, और यहाँ से अंबेडकर पार्क, लोहिया पार्क दोनों बड़े पास में है, लेकिन हम जाएंगे अंबेडकर पार्क। उससे पहले जो बन मक्खन और समोसे लिए थे वो खाएंगे और चाय पियेंगे। चाय बड़ी बड़े कप में लग रही है, लेकिन अब स्वादिष्ट हो तो बात है कोई। तो बने रहिएगा, जाइएगा नहीं, क्योंकि हम लखनऊ में हैं और आप भी मुस्कुराइए, हम लखनऊ में हैं, मतलब हम लखनऊ में तो आप मुस्कुराइए। वाह वाह, नई बात है ये। अभी यार किस्मत थोड़ी ख़राब है, अम्बेडकर पार्क बंद हो गया है। मैडम बंद हो गया? अब कितने बजे, टाइमिंग क्या है? अभी एंट्री नहीं हो पाएगी, कर दीजिए अगर हो जाए तो। नहीं चलो फिर, ये पार्क तो बंद निकला, लेकिन कोई बात नहीं, इसको कल जरूर विजिट करेंगे। अभी जा रहे हैं हम लोग रिवर फ्रंट, जगह पे यहीं पे यहाँ पहुँच तो गए हैं गोमती रिवर फ्रंट। मतलब ये नदी का नज़ारा अच्छा दिखता है, इसलिए रिवर फ्रंट इसका नाम है। भैया टिकट दे देना, थोड़ा पार्क अम्बेडकर पार्क नहीं खुला था ना तो मूड खराब हो गया, लेकिन यही है कि मूड ख़राब होने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, इसलिए थोड़ा रिकवर कर लेंगे। अभी बढ़िया फ्लेवर वाली टिक्की पियेंगे तो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। पानी काला तो ठीक है, लेकिन बदबू ज़्यादा दे रहा है, इसलिए शक है हमें कि गोमती नदी है या फिर कुछ और। हमारा शक भी सही निकला, जो हम सोच रहे थे ना कि नदी नहीं नाला है, तो इसमें मुझे लगता है सबसे ज़्यादा नाले इसी नदी में खुले होंगे, इसलिए ये गंदी हो रही है, लेकिन व्यू काफ़ी अच्छा आता है यार। मेरे साथ ये सबसे ज़्यादा हो रहा है, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहीं अंधेरा हो रहा है। साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। कल भी अंधेरा हो गया था वहाँ पे अयोध्या में, और आज भी। ये चाट खिलाओगे? कौन कौन सा फ्लेवर है इसमें? इमली है, जंजीरा है, खिला दीजिए। तो ये है फ्लेवर चाट यहीं रिवर फ्रंट के यहाँ पे, और कभी आइए तो ट्राई करिए। आज ये ब्लॉग थोड़ा फूड ब्लॉग ज़्यादा लगेगा आपको, क्योंकि सब यहाँ पे खाने पीने की बातें ज़्यादा होंगी। अड़तीस चालीस अभी है ओटीपी।
यार वो लोकेशन इसमें खुद ही गलत दिखा रहा है पता है। तो आप क्या भैया पीएससी और इनकी सबकी तैयारी कर रहे हैं क्या जी? पीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं क्या? नहीं, नहीं आपकी हिंदी अच्छी है, आप हिंदी ऐसे बोल रहे हो जैसे इंटरव्यू में बोलते हैं ना, वैसे हिंदी बोल रहे हो आप। लोगों से बीच रह करके सीख लेता हूं। अरे नहीं यार, मैं अभी पहुंच चुका हूं यहां हजरतगंज में और ये बिल्कुल सिमिलर लगता है आपको कनॉट पैलेस जैसा, बिल्कुल सेम लगेगा जैसे दिल्ली का कनॉट पैलेस है ऐसे ही सेम लगेगा। तो अभी हम लोग हैं यहाँ पे हजरतगंज और हमारा मन कर रहा है कहीं घूमने का, मतलब मेट्रो से जाने का। तो हजरतगंज से हम जाएंगे सिर्फ एक स्टेशन, मतलब केडी सिंह बाबू स्टेडियम, यहाँ से यहाँ पहुँच तो गए, यहाँ से यहाँ पहुँच गए लो, नहीं मजाक कर रहा हूँ। तो यहाँ से टिकट लेते हैं पहले, ये यहाँ लखनऊ मेट्रो के टोकन है, मतलब दिल्ली का थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता है लेकिन ये नहीं है। बॉटल को भी घुमा दें, ले गिर गई, बस इनका घुमाई ख़त्म। यहाँ मेट्रो स्टेशन भी आपको चिकन बर्फ भी मिल जाएगा, ओरिजिनल लग रहा है, नहीं पेंटेड है, मतलब ये फ्लैक्स पे पेंटेड लग रहा है। मैं अकेला पड़ गया था यार यहाँ। लग के ऐसा बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि ये लखनऊ है, सेम लग रहा है दिल्ली जैसा। हम ज़्यादा कोई दूर तो जा नहीं रहे हैं, हम जा रहे हैं यहाँ अभी, हमें यहाँ पे हजरतगंज, आप यहाँ हैं और जा रहे हैं हम यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ सिर्फ एक स्टॉपेज घूमने का है ना सिर्फ मेट्रो में, यहाँ के मेट्रो में कभी आज तक घूमे नहीं। ये राजीव चौक जैसा यहाँ हाल नहीं है, राजीव चौक पे कितना भरा रहता है, यहाँ पूरा खाली है। यहाँ पे स्टॉपेज आ गया, खत्म हो गई हमारी यात्रा, वापस चलते हैं, कोई बात नहीं घूम तो लिया। लेकिन वहाँ ज़्यादा रश रहता है, दिल्ली में ज़्यादा रश है मेट्रो में, यहाँ का मेट्रो एकदम शांत है, जितना वहाँ का भरा उतना यहाँ का शांत। हमारा छोटा सा सफ़र ख़त्म, वापस आ चुके हैं हम और अब हम आपको ट्राई करवाएंगे, आपको नहीं हम खुद ट्राई करेंगे, आप दूर से ही मजा लीजिएगा यहाँ की आलू चाप का चाट का, काफ़ी अच्छी लगती है खाने में। थोड़ा सा भी प्लान में चेंज है क्योंकि जो मोती महल चाट है वो नहीं मिल पाया, पहले ये रॉयल कैफ़े मिल गया, तो यहाँ की बास्केट चाट थोड़ी अच्छी लगती है। तो पहले आपको जैसे पहले बता चुका हूँ ना मैं, ये फूड ब्लॉग ज़्यादा होने वाला है, पहले बास्केट चाट खा लेते हैं। तो ये बिल्कुल हजरतगंज मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास में है रॉयल कैफ़े, यहाँ पर मिलता है, ये बास्केट जैसा रहता है ना, तो वैसे ही उसी नाम से बास्केट चाट। यहाँ पर काफ़ी सारे सेलिब्रिटी भी आप देख सकते हो, श्री श्री रविशंकर जी हैं और क्लियर कैटरीना कैफ हैं, अक्षय कुमार हैं, कागज़ मूवी की स्टार कास्ट है, बहुत सारे लोग आते हैं, मतलब फेमस है ये काफ़ी। अनिल कपूर हैं, ये नीचे ये पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी हैं, दीपिका पादुकोण भी हैं,
ये लीजिए भैया। तो ये कुछ ऐसी दिखती है बनने के बाद। बरेली में मैं बता रहा था ना, वहाँ फिनिक्स मॉल में इसकी फ्रेंचाइजी थी। ये मेन मोती महल यहीं पे है। यहाँ का ये सब लिस्ट देख सकते हो आप। लेकिन अब हमारे पेट में नहीं बची जगह, तो हम सोच रहे हैं शायद अगर थोड़ा चाय कॉफ़ी तो छोटा मोटा हो ही जाए। हम लोगों ने डिसाइड किया ये रबड़ी का ये टोकन मिला। थैंक यू भैया। भैया रबड़ी कर दीजिए। हाँ यहीं खाएंगे। ये रेस्टोरेंट ऊपर भी है, ऊपर स्वीट्स का है ज़्यादातर, जैसे पैक्ड मिठाई जो ले जाते हैं ना घर पे वो है, यहीं बैठ के खाते हैं वो नीचे। देखो एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ, मेरी घड़ी में बज रहे हैं 9:07, बापू की घड़ी में भी बज रहे हैं 9:07, और सेंट्रल बैंक की घड़ी में भी बज रहे हैं 9:07। और समझ सकते हो कि देख रहे हो बापू भी बिल्कुल सही टाइम पे चल रहे हैं, भले ही फ़ोटो में है तो क्या हुआ। और ये है पूरा हजरतगंज का एरिया, आप देख सकते हो। रात यहाँ पे घूमिएगा तो कभी अच्छा लगेगा आपको, वाकई लगेगा कि तहजीब का शहर है लखनऊ और तहजीब क्या होती है। मतलब इतना शांत है ना, एकदम मस्त वाला अच्छा लगता है। इतनी गाड़ियाँ भी चल रही हैं लेकिन फिर भी शोर कम है, आप मेरी आवाज़ से ही समझ सकते हो कि कितनी क्लियर आवाज़ आ रही होगी। ये लहंगा बहुत सुंदर है, मतलब लेकिन वाइट पहनता कौन होगा शादी में। ये मतलब फ़ोटो इसमें नहीं लग रहा, वीडियो में कितना अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ये सामने से लग रहा है कि लहंगा लखनऊ जैसे गाने बन सकते हैं यहाँ पे। यहाँ हजरतगंज में एक बार और मन कर गया फ्लेवर चाट खाने का, लेकिन ये टिक्की क्या है इसमें ज़्यादा फ्लेवर है। इसमें कौन कौन सा पानी होगा भैया? और ये अमला का भी पानी आता है यहाँ पे, थोड़ी वैरायटी ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे टिक्की और खाते हैं। 9531। तो आज हम लोगों ने इतना सारा घूमा और आज की वीडियो को हम यहीं तक ख़त्म करेंगे। कल हम कवर करेंगे ज़्यादातर है अम्बेडकर पार्क, लोहिया पार्क और इमामबाड़ा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तुम जी सरवान साहब, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।